हेलो एंड वेलकम, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात का। इस यूनिवर्सिटी का रिव्यू करेंगे हम लोग। इसमें बात करेंगे एडमिशन प्रोसेस क्या है, कौन कौन से अवेलेबल कोर्सेज हैं, हाईएस्ट पैकेज कितने का जाता है, इसमें हॉस्टल की फैकल्टी है या नहीं, तो सारी बातें करेंगे एक ही वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। हमेशा की तरह, जैसा कि मैं वीडियो में पहले ही बात करता हूँ कि आप सभी को दिखाता हूँ किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का रिव्यू करने से पहले उसका कैंपस फोटो, तो इस वीडियो में भी हम लोग देखेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात का कैंपस फोटो। यहाँ पे आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे कि केंद्रीय विश्वविद्यालय गुजरात सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात का ये है एकेडमिक ब्लॉक, इसका फोटो आप देख सकते हैं। कुछ और फोटो भी कुछ इस प्रकार से आपका दिखता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। यहाँ पे ये भी एकेडमिक ब्लॉक के आसपास का फोटो है। इस यूनिवर्सिटी के बारे में अगर कुछ बात की जाए तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट 2009 में जो संसद में पारित हुआ था उसके अंतर्गत गुजरात राज्य में ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई गई है। और NIRF रैंकिंग के अकॉर्डिंग, 2020 के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो ये NIRF रैंकिंग के हिसाब से गुजरात की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी है, यानी कि दूसरी सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी है। और अगर पूरे इंडिया में बात की जाए तो ये टॉप 50 यूनिवर्सिटी की लिस्ट में आती है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं आगे की, इसमें एडमिशन प्रोसेस क्या है और कौन कौन से UG और PG के कोर्सेज इस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत संचालित किए जाते हैं। यहाँ पे अगर एडमिशन प्रोसेस की बात की जाए तो एडमिशन अगर इसमें होता है तो वो होता है आपका CUET UG और CUET PG के स्कोर पे। जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी इंडिया में है वो सारी इस साल 2022-23 सेशन से CUET UG और CUET PG के मार्क्स पे ही आपको एडमिशन देती है। अगर PhD कोर्सेज की अगर बात की जाए तो उसमें UGC नेट पास होना चाहिए आपको और UGC CSIR नेट दोनों में से कोई एक एग्ज़ाम या दोनों एग्ज़ाम पास होने जरूरी है अगर आपको PhD के कोर्सेज में एडमिशन चाहिए। तो ये तो होगा UG PG कोर्सेज में आपको कैसे एडमिशन मिलेगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में, इसके बारे में आप लोगों ने अभी जाना। तो इस यूनिवर्सिटी की अगर बात की जाए तो इसमें 2 UG कोर्सेज चलाए जाते हैं और 18 PG की कोर्सेज चलाए जाते हैं और 12 PhD के कोर्सेज भी चलाए जाते हैं। तो टोटल अगर कोर्सेज की बात की जाए तो UG, PG और PhD कोर्सेज मिला के टोटल 32 कोर्सेज चलाए जाते हैं और एडमिशन का प्रोसेस है आपका CUET सेंट्रल कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। और PhD कोर्सेज में एडमिशन के लिए नेट क्वालिफाई होना जरूरी है और इस यूनिवर्सिटी का आपको फॉर्म भरना होगा। अगर इस यूनिवर्सिटी की रेटिंग की बात की जाए जो छात्रों द्वारा दी गई है, इसमें टोटल 22 स्टूडेंट यानी कि 22 स्टूडेंट ने इनका रिव्यू किया है और 10 में से 7.6 स्टार इस यूनिवर्सिटी को दिया गया है यहाँ के छात्रों द्वारा। और अब हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन सी फैसिलिटी आपको अवेलेबल कराई जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात फैसिलिटीज़, और हॉस्टल की भी इसमें फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कराई जाती है। इस द कैंपस इन ट्रांजिट टू बी शिफ्टेड इन द न्यू कैंपस ऑफ वडोदरा, देयर आर लिमिटेड सीट अवेलेबल फॉर द हॉस्टल, द फैकल्टी इज अवेलेबल फॉर बोथ गर्ल एंड बॉयज एज CUG हैज़ हायर्ड बिल्डिंग इन द गांधीनगर। अब ये जो यूनिवर्सिटी है सेक्टर 28 और सेक्टर 29 में गांधीनगर शहर में संचालित किया जा रहा है, लेकिन जल्द ही वडोदरा शहर में पूरा कैंपस शिफ्ट कर दिया जाएगा जैसे इसका बिल्डिंग तैयार होगा। यहाँ पर लाइब्रेरी की भी आपको सुविधा मिलेगी अच्छी खासी, जिसमें वाईफाई और सारी सुविधाएं जो एक अच्छी लाइब्रेरी में होनी चाहिए वो आपको मिलेगी। अदर फैसिलिटीज़ की अगर बात की जाए तो गेम्स एंड स्पोर्ट्स, कल्चरल एक्टिविटीज़, किचन, ट्रांसपोर्ट फैकल्टी, हेल्थ फैकल्टी, मतलब कि एक यूनिवर्सिटी में जितनी भी फैकल्टी होनी चाहिए सारी फैसिलिटीज़ आपको देखने को मिलेगी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के नए कैंपस में। पुराने कैंपस में भी काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ होंगी, लेकिन नए कैंपस में अच्छी तरीके से आपको कैंपस में अच्छी फैसिलिटीज़ देखने को मिलेंगी। अब हम लोग वीडियो में बात करेंगे प्लेसमेंट एक्सपीरियंस की। जो भी छात्र इसमें स्टडी करते हैं, पहले के छात्र जो हैं उसके हिसाब से इस यूनिवर्सिटी में जो छात्र ने, कुछ छात्रों ने तो मैंने रिव्यू पढ़ा उसमें इन्होंने बताया कि छात्रों को कोई प्लेसमेंट नहीं मिलती है इस यूनिवर्सिटी में, सिर्फ नॉलेज पर फोकस किया जाता है और बाकी कामों पर कोई फोकस नहीं किया जाता है। यहाँ पर एक छात्र द्वारा रिव्यू में लिखा गया है कि 68% ऑफ स्टूडेंट वेयर सेलेक्टेड लास्ट ईयर इन वेरियस फार्मास्यूटिकल कंपनीज, वेरियस यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज, द हाईएस्ट सैलरी ऑफर्ड वाज 33,000 पर मंथ एंड द लोएस्ट सैलरी वाज
12,000 पर मंथ, यानी कि सबसे हाई सैलरी की अगर बात की जाए तो 33,000 है और सबसे लोएस्ट सैलरी की पैकेज की अगर बात की जाए तो 12,000 महीने के हिसाब से मिलती है। लेकिन मैंने बहुत सारा रिव्यू पढ़ा है छात्रों के द्वारा, उसमें इन्होंने उन लोगों ने छात्रों ने काफ़ी सारे छात्रों ने रिव्यू में लिखा है कि उन लोगों का जो यूनिवर्सिटी है वे सिर्फ नॉलेज पे डिपेंड रहता है, वो सिर्फ नॉलेज पे नहीं। अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के कोर्सेज को देखेंगे, एमए के कोर्सेज की या यूजी के दो कोर्सेज हैं, तो ज़्यादातर आपको कोर्सेज जर्मन, फ्रेंच, जेंडर स्टडीज़, हिंदी, गुजराती, मतलब लैंग्वेज के जो भी कोर्सेज है, जो भी स्टूडेंट लैंग्वेज की पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए ये यूनिवर्सिटी बेस्ट है। बाकी जो छात्र हैं जो अन्य स्टडीज करना चाहते हैं, लाइक प्रोफेशनल कोर्सेज करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये यूनिवर्सिटी नहीं है। क्योंकि इस यूनिवर्सिटी की अगर बात की जाए तो इसमें कोई भी ऐसी कोर्स संचालित नहीं किया जाता है जिसमें कोई प्रोफेशनल लाइक MBA और BTEC, BCA इस तरीके, BBA इस तरीके का कोई कोर्स इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि इसमें BSc और BCom के भी कोर्सेज आपको देखने को नहीं मिलेंगे। BSc और BCom जैसे कोर्सेज भी इस यूनिवर्सिटी में नहीं है, BEd के भी कोर्सेज नहीं है। तो आप समझ सकते हैं ये कोर्सेज सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज कोर्सेज के लिए ही ये यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश की गई है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, और उसी के अकॉर्डिंग जो भी स्टूडेंट लैंग्वेज के कोर्सेज में इंटरेस्टेड होते हैं उनके लिए ये यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी है पढ़ने के लिए। क्योंकि अगर NIRF रैंकिंग की देखें तो ये यूनिवर्सिटी गुजरात में सेकंड रैंक पे आती है और पूरे इंडिया में टॉप 50 के रैंक में आती है, जिसे अच्छा माना जा सकता है। तो इस वीडियो में आप लोगों ने काफ़ी जानकारी इस यूनिवर्सिटी की प्राप्त की, जैसे कि इस यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट कैसा है, कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, ये यूनिवर्सिटी कहाँ है और ये यूनिवर्सिटी कब बनी थी, इसका परमानेंट कैंपस कहाँ बनेगा, सारी जानकारी मैंने इस वीडियो में मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैंने कम समय में प्रोवाइड करने की कोशिश की। इसी तरह का सेंट्रल यूनिवर्सिटी का रिव्यू देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।